ये है दिल्ली दर्पण। राजधानी दिल्ली से बेहद सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। यहाँ एक लुटेरे ने पुलिसकर्मी पर ब्लेड से हमला बोल दिया। ये बदमाश मोबाइल लूटकर भाग रहा था। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बदमाश और पुलिस आपस में भिड़ रही है। दिल्ली पुलिस का हवलदार अपनी बेल्ट निकालकर बदमाश को मारने के बाद उसे काबू करने की कोशिश कर रहा है। ये घटना 11 अक्टूबर की है, जब दिल्ली के गांधीनगर इलाके में हवलदार नीरज और सिपाही दोनों इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी शोर सुनाई दिया कि बदमाश ने मोबाइल लूट लिया है, जिसके बाद हवलदार नीरज ने देखा और उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन बदमाश हाथ में ब्लेड लेकर खड़ा था। बार बार बदमाश पुलिस को ब्लेड का डर दिखाकर भागने की कोशिश कर रहा था। तभी सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हवलदार नीरज अपनी बेल्ट निकाल कर उसे मारने लगता है, जिसके बाद उसे काबू कर लिया जाता है। पुलिस ने बदमाश नीशु, जिसकी उम्र 26 साल, और उसके नाबालिग साथी को मौके से पकड़ लिया, जिनके पास लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ। नीशु पर पहले से ही 10 मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग और उसके साथी को गिरफ्तार भी कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।